क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट संस्कृत चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रयत्नशीला नाम देहो अभी सहायिका प्रयत्नशीला नाम देहो अभी सहायिका कोशिश करने वालों के लिए देवता भी सहायक होते हैं। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट को आपने देखा देख रहे होंगे कि सब वर्षा हो रही है, बैलगाड़ी पर किसान सवार है। वर्षा होने पर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु वर्षा को बंद कर दीजिए, वर्षा बरसना बंद हो जाए, पानी बरसना बंद हो जाए। धीरे धीरे क्या होता है कि उसका पहिया भी कीचड़ इतनी हो जाती है, पानी इतना बरस जाता है कि उसका पहिया भी कीचड़ में धस जाता है, पहिया कीचड़ में धस जाता है। अब पहिया निकालने की वो कोशिश तो नहीं कर रहा है कि मैं किसी तरह से पहिया निकालूं, वो क्या सोच रहा है कि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आकर के हमारी गाड़ी निकाल जाएंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या भगवान आपको पढ़ा थोड़े जाएंगे। अब आप कोशिश करेंगे पढ़ने की, कोशिश करेंगे किसी की सहायता लेंगे, तब आप किसी तरह से सफल होंगे। तो कहा भी जाता है कि जो कोशिश करता है उसकी देवता भी सहायता करते हैं। इस पाठ में यही दिखाया गया है कि बैलगाड़ी पर बैठा हुआ गाड़ी वान भगवान से प्रार्थना कर रहा है और पहिया कीचड़ में फंसा हुआ है, उठ करके वो पहिया निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसके पास कई एक व्यक्ति आते भी हैं कि लाओ हम निकलवा देते हैं आपकी गाड़ी, आप कोशिश करिए, लेकिन वो कहता नहीं मेरे भगवान आकर के गाड़ी निकालेंगे। तो अंत में यही होता है कि पानी इतना बरसता है, बरसते बरसते उस तक पानी ऊपर से सिर तक आ जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त होने पर भगवान के पास भी हो जाता है और भगवान से भी यही प्रश्न करता है कि प्रभु ये बताइए मैंने आपकी प्रार्थना इतनी की लेकिन फिर भी आपने हमारी गाड़ी नहीं निकाली, कीचड़ में फंसी रहने दी और मैं मर करके आपके पास भी आ गया। भगवान कहते हैं कि कोशिश करने वालों के लिए भगवान सहायता करते हैं लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, मैं तो आपके पास कई बार गया, आपसे मदद के लिए मैंने कहा भी था कि आपको मेरी मदद चाहिए लेकिन आपने मेरी मदद का कुछ भी स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर बताइए आपकी गाड़ी कैसे पार होती। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान के ऊपर ना बैठ करके, भगवान अपने रूप में कभी भी नहीं आएंगे, आप किसी भी तरह से किसी की सहायता के लिए आपको भेजते हैं, आपके पास भेजते हैं तो आप उसकी सहायता लें, उसकी सहायता लेने से ही आपका कार्य किसी न किसी तरह से सफल अगर होता है तो आप उस अपने कार्य को करने में सफल होंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे जब तक, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। किताब आपके सामने रखी है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाने वाला कितना भी पढ़ाता रहे लेकिन आप बिल्कुल भी पाठ को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें और कोशिश करने पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, भगवान भी आपकी सहायक होंगे, भगवान आपकी सहायता करेंगे। यही आपको इस पाठ के अंतर्गत बताया गया किस तरह से एक देश वक्ता आसी सब प्रतिदिन भक्तिया देवस्य प्रार्थना करोति स्म, देवा कृपया मह्यम आरोग्यम यच्छतु धनम यच्छतु इति, सह किंचिदपि प्रियतम न अकरोत् किमपि कार्यम न करो देवा एव सहायतां करिष्यति इति तस्य विश्वासः आसीत्। एक देश वक्त देव भक्त आसीत्, एक ईश्वर का भक्त था, देव भक्तम वह एक ईश्वर का भक्त था, ईश्वर का सच्चा मानने वाला प्राणी था, तो ईश्वर का भक्त था। सब प्रतिदिनं भक्तिया देवस्य प्रार्थना करोति स्म, वह अपनी भक्ति पूर्वक मन लगा करके देवता की प्रार्थना करता रहता था, वह मन लगा करके भगवान की प्रार्थना करता रहता था। देव कृपया मह्यम आरोग्यम यच्छतु, क्या कहता था कि हे प्रभु कृपा करके मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, धनम यच्छतु और मुझे धन प्रदान करें, मुझे धन दें और अच्छा स्वास्थ्य दें। सब किंचिदपि प्रयत्न न करो, लेकिन वह कोई भी प्रयत्न नहीं करता, किसी भी तरह से किसी भी कार्य को करने की कोशिश नहीं करता। किमपि कार्यम न करो, न कोई भी कार्य करता था, किमपि कोई भी किम न अपि किमपि किमपि कोई भी कार्यम न करो, कोई भी कार्य नहीं करता था। देवा यह सहायता करिष्यति, वह यही सोचता था कि देवता ही हमारी सहायता करेंगे, देवा देवता एव मीन्स ही सहायता करिष्यति करेंगे, देवता ही हमारी सहायता करेंगे इति तसि विश्वास आसीत, इति ऐसा
तस्य उसका विश्वास विश्वास आसी था। इस प्रकार का ही उसका विश्वास था कि मेरी देवता सहायता करेंगे, मैं कुछ भी करूं या न करूं भगवान मेरी सहायता अवश्य ही करेंगे। एकस्मिन् दिवसे सह वृषभ षटकेन गच्छति मृण मार्गे आसी तदेव वृष्टि आरभ घटिका त्रियम वृष्टि निरंतरम आगतवती तदा तस्य षटकस्य चक्रम मार्गे पंके निमज्जनम् स उपविष्टि प्रार्थना कृतवान् देवा कृपया मम साहाय्यं करोतु, देव कृपया मम साहाय्यं करोतु, अहम् तु तव परम भक्तो अस्मि, मयि कृपां करोतु इति। एकस्मिन् दिवसे किसी एक एकस्मिन् दिवसे किसी एक दिन सः वृषभ षटकेन गच्छति वह बैलगाड़ी से जा रहा था जाता हाँ जा रहा था। एकस्मिन् दिवसे किसी एक दिन स वह वृषभ षटकेन वृषभ मीन्स बैल षटकेन मीन्स गाड़ी से वह बैलगाड़ी से गच्छति इसमा जा रहा था। गच्छति लिट लकार का शब्द है, इसमा जुड़ जाने पर अष्ट का बन जाता है जिसमें कि लंग लकार भूतकाल का प्रयोग होता है, तो गच्छति के साथ इसम जुड़ जाने पर जा रहा था वह बैलगाड़ी से जा रहा था। मृण मार्ग मृण मार्ग मृण मीन्स मिट्टी मार्ग मीन्स रास्ता मिट्टी का रास्ता था यानी कच्चा रास्ता था आसीत मीन्स था कच्चा रास्ता था। तदेव वृष्टि आरवत उसी समय तदेव तब ही तदा धन एव तदा मीन्स तब एव मीन्स ही उसी समय ही या तब ही वृष्टि मीन्स वर्षा आरवत मीन्स आरंभ हो गई तब ही वर्षा प्रारंभ हो गई तभी पानी बरसने लगा। घटिका त्रियम घटिका मीन्स घंटा त्रियम मीन्स तीन तीन घंटे तक वृष्टि निरंतरम आगतवती वृष्टि वर्षा लगातार आगतवती आती रही तीन घंटे तक लगातार वर्षा आती रही या वर्षा होती रही। तदा तस्य षटकस्य चक्रम मार्गे निमज्जितम पंके निमज्जितम तदा तब तस्य षटकस्य उसकी गाड़ी का चक्रम पहिया रास्ते में कीचड़ में पंके मीन्स कीचड़ में निमज्जितम धस गए इतनी वर्षा हुई कि उसकी गाड़ी का पहिया षटका मीन्स गाड़ी चक्रम मीन्स पहिया मार्ग मीन्स रास्ता पंके मीन्स कीचड़ और निमज्जितम मीन्स धस गया तो उसकी गाड़ी का पहिया रास्ते में कीचड़ में धस गया। स उपवेशी प्रार्थना वह गाड़ी पर बैठा बैठा उपवेशी बैठा बैठा प्रार्थना कृतवान प्रार्थना करता रहा उसने गाड़ी पर बैठे बैठे प्रार्थना की देव कृपया मम सहायता करो हे देवता मेरी सहायता करो। वह भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु मम सहायता सायम करो तो मेरी सहायता करो सायम मीन्स सहायता करो तो मीन्स करो हे प्रभु मेरी सहायता करो। अहम तो तव परम भक्तो अस्मि हे प्रभु अहम मीन्स मैं तू 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 मीन्स तुम्हारा तब मीन्स तुम्हारा तू मीन्स तो अहम तू तब मैं तो तुम्हारा अहम मैं तू मीन्स तो तब मीन्स तुम्हारा परम भक्तो अस्मि अस्मि मीन्स हूँ परम भक्तो परम भक्त हे प्रभु मैं तो तुम्हारा परम भक्त हूँ हे प्रभु मेरी सहायता करो मैं तो तुम्हारा परम भक्त हूँ। मई कृपा करो तो मुझ पर मई मीन्स मुझ पर कृपा मीन्स कृपा करो तो करो हे प्रभु मुझ पर कृपा करो इति इस प्रकार कहने लग। तस्मिन् अवसरे एका सज्जना तत्र आगता तस्मिन् अवसरे उसी समय तस्मिन् मीन्स उसी अवसरे मीन्स अवसर पर या उसी समय एका सज्जना तत्र आगत आगतवान उसी समय एक सज्जन वहां आ गए उसी समय एक सज्जन व्यक्ति वहां आ गया। भक्तम दृष्ट्वा प्रश्नवान भक्त को देखकर पूछने लगा भक्तम दृष्ट्वा दृष्ट्वा मीन्स देखकर प्रश्नवान मीन्स पूछने लगा भक्त को देख करके पूछने लगा वो मित्र हे मित्र वो मीन्स हे मित्र हे सखा या हे मित्र काचित सहायता वांछसी न वा कुछ सहायता चाहते हो अथवा नहीं मुझसे कुछ तुम्हें सहायता चाहिए या नहीं
मुझसे कुछ तुम्हें सहायता चाहिए? इति ऐसा कहने लगा। तदा भक्त उक्तवान, तब वह भक्त कहने लगा या उस भक्त ने कहा, तब उस भक्त ने कहा, उक्तवान मीन्स कहा, उस भक्त ने कहा भवता सहायम न आवश्यकम, भक्ता मीन्स आपकी सहायता आवश्यक नहीं है, सहायम न आवश्यकम, आपकी सहायता मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है, देवा एव मम सहायम करिष्यति, मेरी तो देवता ही सहायता करेंगे, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मेरी तो भगवान सहायता करेंगे, मम सहायम करिष्यति, देवा एव मम सहायम करिष्यति, भगवान मेरी सहायता करेंगे, मुझे तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तदा सज्जना गत, तब वह सज्जन व्यक्ति चला जा, या वह व्यक्ति चला गया, यह सुनकर के वह व्यक्ति चला गया वहां से। एवं एक प्रकार क्रमशाने के जना आगछन अपृछन च, वो मित्र किंचित साह्यम आवश्यकम न वा इति, सा तथैव उतरत यत देवा एव साह्यम करिष्यति, वृष्टि तीव्रा अवत, जलम तस्य कंठ पर्यन्तम आगतवान, तथापि तेन किमपि प्रयत्नम न कृतम, परिणामतः अन्ते सा जले निमग्नम भूत्वा मृतवान। एवं प्रकारे, इसी ही प्रकार से, एक आया दो आया, इसी ही प्रकार से क्रमशः लगातार बारी बारी से अनेक ही जना आगच्छन, बहुत से व्यक्ति आते रहे, इसी प्रकार बारी बारी से अनेक व्यक्ति आते जाते रहे, अप्रच्छन च, और पूछते रहे उस व्यक्ति के पास, अनेक व्यक्ति बारी बारी से आते रहे और उससे पूछते रहे, वो मित्र हे सखा, हे मित्र किंचित साह्यम आवश्यकम न वा, आपको मेरी कोई सहायता की तो आवश्यकता नहीं है, आपको मेरी कोई सहायता चाहिए? इति ऐसा कहते रहे। स तथा उत्तर, वह उसी प्रकार से उत्तर देता रहा, स तथा मीन्स उसी प्रकार से, जैसे उसने पहले कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मेरी भगवान सहायता करेंगे, उसी प्रकार से वह उत्तर देता रहा, स तथा उत्तरत, वह उसी तरह से उत्तर देता रहा कि, यत मीन्स कि, देवा एव साह्यम करिष्यति, मेरी देवता सहायता करेंगे, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, मेरी तो देवता सहायता करेंगे, मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं। वृष्टि तीव्रा आरभ, वृष्टि तीव्रा आवत, वर्षा बहुत तेज हो गई, यानी पानी बहुत तेजी से बरसने लगा, पानी बहुत तेजी से बरसने लगा, जलम तस्य कंठ पर्यंतम आगतवान, पानी उसका पानी कंठ गले से पर्यंतम आगतवान, वह उस वर्षा का पानी गले तक आ गया, आगतवान आ गया, वर्षा का पानी गले तक आ गया, जलम तस्य कंठ पर्यंतम आगतवान, पानी वर्षा का जल उसके गले तक आ गया, तथापि तेन किया किमपि प्रयत्नम न कृतम, लेकिन फिर भी किमपि कोई भी प्रयत्न मीन्स कोशिश न कृतम, नहीं की, लेकिन फिर भी, तथापि फिर भी उसने, उसने गाड़ीवान ने कोई भी कोशिश नहीं की, गले तक पानी आ गया और उस गाड़ीवान ने कोई भी कोशिश नहीं की, परिणामतः परिणाम स्वरूप अंते स जले निमग्ना भूत्वा मृतवान, अंत में वह जले निमग्ना जल में डूबकर, पानी में डूबकर, जले निमग्ना भूत्वा मृतवान, पानी में डूबकर वह मर गया, जब पानी उसके सिर से ओवर हो गया, उसके बाद परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, गले तक पानी आ गया, उसने कोई कोशिश नहीं की, परिणाम स्वरूप अंत में वह जल में डूबकर वह मर गया, पानी से ऊपर हो गया, जल में वह डूब गया और मृतवान मीन्स मर गया। मरणांतरम सा स्वर्गम गतवान देवं च पृष्टवान, हो देव हम भवता परम भक्तो अस्मि, तथापि भगवान संकट काले सा मम सहायता ही न आगतवान, किमर्थम इति, मरणांतरम सा स्वर्गम गतवान, मरणांतरम मरने के बाद जब वो मर जाता है तो भगवान के पास पहुंचता है, स्वर्गम गतवान, वह स्वर्ग में पहुंच जाता है, स्वर्ग में पहुंच गया, देवच्च पृष्टवान, और देवताओं से पूछने लगा,
मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच गया और वह देवता से पूछने लगा, हे देव, हे भगवान, अहम भवता, मैं आपका परम भक्तो अस्मि। मैं तो आपका बहुत प्यारा ही भक्त था, मैं आपका प्यारा भक्त था, तथापि फिर भी आपने भगवान मीन्स आपने संकट कार्य, संकट के समय, आपत्ति के समय, मुसीबत के समय में मेरी सहायता के लिए न आगतवान। मैं आपका परम भक्त था, फिर भी संकट के समय, मुसीबत के समय मेरी सहायता के लिए आप नहीं आए। किमर्थम, किस लिए आप मेरी सहायता को किस लिए नहीं आए? हे प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूँ, फिर भी आप संकट के समय, मुसीबत के समय मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आए? आप मेरी मुसीबत में मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आए? किमर्थम मीन्स किस लिए या क्यों नहीं आए? ऐसा कहा। तदा देवा उक्त्वा, तब देव ने कहा, वो वक्ता, हे वक्त, अहम तो अनेक बारम आगतवान, मैं तो बहुत बार आया। अहम तो बहु बारम आगत, अनेक बारम आगतवान, मैं तो बहुत बार आया। पृष्ठवान च, और मैंने आपसे पूछा भी था, सायम आवश्यकम नवा, आपको मेरी कोई सहायता की जरूरत है अथवा नहीं? परंतु भगवान न स्वीकृतवान, लेकिन आपने मेरी कोई भी मदद को स्वीकार नहीं किया, परंतु आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। यदि भगवान प्रयत्नम ये करोतु, यदि आप भगवान मीन्स आप प्रयत्नम ये करोति, प्रयत्न करते, यदि आप प्रयत्न ही करते, तेरी अहम कथम सायम करतुम शक्नोमि, तेरी तो अहम कथम मीन्स कैसे, सायम मीन्स सहायता करतुम, करने के लिए, शक्नोमि कर सकता। यदि आप प्रयत्न करते तभी ही मैं सहायता कर सकता हूँ। जब आप प्रयत्न करते हो तभी ही तैरमीस तो ही मैं सहायता करने में समर्थ हो सकता हूँ। जब आप प्रयत्न नहीं करोगे तो मैं सहायता भी नहीं कर पाऊंगा। जब आपने प्रयत्न ही नहीं किया तो फिर बताइए मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता। देवसी वचनानि स्वतः वक्तसी ज्ञानोदय अवगत, देवता के, देवसी देवता के वचनानी वचनों को श्रोता में सुनकर के भक्त से ज्ञान हो गया, वह अवगत, भक्त का ज्ञान का उदय हो गया, या भगवान भक्त भगवान की बात को सुनकर के, भगवान के वचनों को सुनकर के भक्त को ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमें किसी न किसी की बात अवश्य ही मान लेनी चाहिए थी, किसी की सहायता अवश्य ले लेनी चाहिए थी। मैं नहीं समझ रहा था कि भगवान इस रूप में आ रहे हैं। इस तरह से भगवान की बात को सुनकर के भक्त को ज्ञान प्राप्त हो गया कि प्रयत्नशीला नाम देवों की सहायता, के प्रयत्नशील व्यक्तियों के लिए ही देवता सहायक होते हैं। क्योंकि मैंने तो कोई कोशिश ही नहीं की, मैं तो गाड़ी पर बैठा ही रहा, मैं उतरा भी नहीं गाड़ी से, ना मैंने पहिया को निकालने की कोशिश की, तो बताइए मेरी सहायता भगवान करते तो करते कैसे? मैंने जो भी व्यक्ति आए उनसे भी सहायता नहीं मांगी, तो जब मैं उनकी सहायता लेता, मैं कोशिश करता, तभी हमारी सहायता हो सकती थी, अन्यथा नहीं। तो इसलिए आपको इस पाठ के अंतर्गत आपने समझा होगा कि मुझे किसी न किसी तरह की कोशिश अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इस तरह से आपका देव अपनी सहायता, देवियत करने वालों की कोशिश करने वालों के लिए देवता ही सहायता करते हैं, ये आपने सीखा। धन्यवाद।